पर भारी पट्टी नेतागिरी की एक और तस्वीर कानपुर से हमारे सामने आई है, लेकिन यहाँ निशाने पर पुलिस रही और नेताजी खुल्लम खुल्ला योगी सरकार की धौंस जमाते रहे। दरअसल कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस ने दो युवकों की गाड़ी को सीज कर लिया। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस उनकी गाड़ियों को सीज करने के बाद दोनों युवकों को थाने ले आई। वह बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस ने दो युवकों की गाड़ी को सीज कर लिया, जबकि उनके पास गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस भी था। दरअसल दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस उनकी गाड़ियों को सीज करने के बाद दोनों युवकों को थाने ले गई। वह बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को फोन किया और देखते ही देखते बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पार्षद थाने पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने जब दोनों युवकों की गाड़ी नहीं छोड़ी तो कार्यकर्ताओं ने सीओ कर्नलगंज अजीत कुमार का और उनके ऑफिस में घेराव कर लिया। थाने में हंगामे की जानकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली तो उन्होंने फोन पर आदेश देकर युवकों को गाड़ी समेत छुड़वा दिया। वहीं युवकों ने बताया कि वह मैच खेलने जा रहे थे और जल्दी में हेलमेट पहनकर आना भूल गए। चेकिंग के दौरान उन्होंने पुलिस के सामने अपनी गलती कबूल की और माफी मांगी, लेकिन पुलिस गाड़ी सीज करने के बाद उन्हें थाने ले गई। बता दें कि थाने में हंगामे और नारेबाजी के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग करते रहे, जिसके बाद चौकी इंचार्ज सरवत अली को लाइन हाजिर कर दिया गया। बीजेपी पार्षद विकास का कहना है कि मोदी और योगी सरकार में इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले पर एसपी अनिल कुमार ने कहा कि घटनास्थल पर लगी सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े गए युवकों ने क्या बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से उन्हें थाने ले आया गया। उसके बाद ही युवकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए चालान काटने के बाद भी पुलिस उन्हें इसलिए थाने ले आई क्योंकि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों ने बता दिया था कि वो बीजेपी से जुड़े हैं, मंत्री जी के खास हैं, फिर भी पुलिस ने कानूनी कार्यवाही नहीं रोकी। आप भी वीडियो में देखें कैसे बीजेपी कार्यकर्ता थाने में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, माननीय मैं मंत्री जी से भी जुड़ा हुआ हूं, उसके बाद भी सरवत अली के नाम के जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने बदतमीजी करते हुए उनकी गाड़ी को ला करके यहां पर सीज कर दिया, जिसकी जानकारी हम लोग को हुई। हम सब लोग यहां पर कर्नलगंज थाने में आए हैं और किसी भी कीमत पर हम ये बदतमीजी ऐसे जो चौकी इंचार्ज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो बच्चे बिना हेलमेट के मिले थे जिनको बिठाने की बात आई है, उसमें अभी सीसीटीवी जो घटना स्थल पे और थाने पे लगा हुआ है उसकी अभी जांच करके और उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।